हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम गुरविंदर है और मैं इंडस कम्युनिटी सर्विसेज में काम करती हूँ। आजकल कोरोना या COVID-19 के कारण हमारा मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके के साथ एक मास्क बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो है एक कॉटन का कपड़ा, इलास्टिक, इंच टेप, पेन और पेंसिल और एक सीजर। तो सबसे पहले हमें ये एक कॉटन का कपड़ा लेना है। कॉटन का कपड़ा लीजिए और इसको हम एक आपके घर में जो डिनर प्लेट होती हैं उसके साथ हम इसका नाप ले लेंगे। ये 26 सेंटीमीटर डायमीटर की प्लेट होनी चाहिए आपकी। तो ये जैसे कि ये 26 सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले इस प्लेट के साथ एक नाप ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ सर्कल में। और हम इसको अब एक सीजर के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले से ये काट कर रखा हुआ है पीस, इसको आपने इसको फोल्ड करना है। इसे फोल्ड करने के बाद एक और हम फोल्ड करेंगे। सेंटर में आप एक फिंगर रख लें, एक और फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इसको यहां से 4 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे। जो ये फोल्डेड साइड है, यहां से हमने 4 सेंटीमीटर पे निशान लगाना है। और ये जो ओपन साइड है जहाँ पे 4 लेयर्स आ रही हैं, 4 लेयर्स राउंड साइड की तरफ, वहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है इस तरह से। तो उसके बाद ये जिस प्लेट से हमने पहले निशान लगाए थे, साइज लिया था इसका, तो उसी प्लेट के साथ इस तरह से गोलाई में हम 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर पे यहाँ से एक सर्कल बना लेंगे। और अब इसको हम सीजर के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे इसी निशान के ऊपर ये हमने ये कटिंग कर ली। तो अब आपके पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। इस तरह के हमें 2 पीस चाहिए जो कि मैंने पहले ही काट कर रखे हुए हैं ऐसे। अब हम ये दोनों, इनकी फ्रंट साइड है तो हम फ्रंट साइड को अंदर कर लेंगे और जो इसके उल्टे साइड है वो बाहर की तरफ नजर आएगी। ये अब हमने यहाँ पर, यहाँ दोनों साइड्स पे एक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीन ही चाहिए, आप सुई धागे के साथ भी इसकी सिलाई कर सकते हैं दोनों साइड से। जैसे कि ये यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा के रखी है इधर भी और दोनों साइड। अब हम इसको, जो हमने सिलाई लगाई है उसको हम सेंटर में ले आएंगे। और मेक श्योर करें आप ये कि ये जो दोनों जो सिलाइयां हैं आपस में जरूर मिलें। और इससे पहले कि ये जो सिलाई है इसे आप खोल कर इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लें, क्योंकि ये हमारे फेस पे सेंटर पे आएगी, तो अगर हम इसको प्रेस कर लेंगे तो थोड़ा आपका जो काम है वो इजी हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से हम इसको फ्लैट करके, ये जो मार्जिन है साइड पे करके इसको फ्लैट कर लेते हैं। आप अपने नेल्स की हेल्प के साथ इसको फ्लैट कर लीजिए। और अब हमने क्या करना है कि ये दोनों जो सिलाइयां हैं आपस में ऐसे मिलाकर इधर से और इधर से ये पूरी यहां पे सिलाई लगानी है। आप सुई धागे के साथ भी लगा सकते हैं सिलाई। और दूसरी साइड से हमने 2 फिंगर का मार्जिन छोड़ के, गैप छोड़कर यहां से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है इस तरह से। तो ये अब मैंने ये सिलाई यहां पर लगा कर रखी है।
आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर भी, और यहाँ पर मैंने दो फिंगर का गैप छोड़ा है। और अब हम क्या करेंगे, हम इस पे अपना एक फिंगर अंदर डालकर थंब के साथ इसको सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। हम इस सारे जो हमने ये बनाया मास्क, इसको हम सीधा कर लेते हैं और किसी भी पेन या पेंसिल की हेल्प से आप इसके जो ये कॉर्नर है इनको फिनिशिंग दे दें। कोई भी पेन या पेंसिल की हेल्प लेकर इसको आप फिनिशिंग दे सकते हैं। दूसरी साइड से भी कुछ ऐसे ही हम करेंगे, यहां से इस तरह से ये फिनिशिंग दे देनी है। अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा फिनिशिंग आ जाएगी आपकी। अब ये जो ओपन स्पेस है यहाँ पे, जो ये ओपन हमने रखा था सीधा करने के लिए, तो इसको भी हम सुई धागे के साथ ऊपर से इसकी सिलाई लगा सकते हैं। बिल्कुल सुई धागे के साथ यहाँ पे टांके लगाकर हम इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह का बनके तैयार हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर सुई धागे के साथ टांका लगा दिया इधर, तो हमें ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा। इसके बाद हमने क्या करना है, हम एक साइड को फोल्ड करके, ये मैंने इलास्टिक लिए हैं, ये इलास्टिक 24 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी मैंने रखी है, ये दोनों साइड पे लगाने के लिए इनकी जो लेंथ है 24 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि यहाँ पर रखें और अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे सुई धागे के साथ, या अगर आप मशीन के साथ कर रहे हैं तो मशीन के साथ यहाँ पर सिलाई लगा दें, नहीं तो सुई धागे के साथ लगा दें। और दोनों साइड इधर भी, दोनों साइड पे हम सुई धागे या मशीन के साथ यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, दूसरी तरफ भी मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैंने 24 सेंटीमीटर लेंथ इसकी ली है, आप किसी भी हेयर पिन की हेल्प के साथ ये इलास्टिक आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसको, इसके दोनों सिरों को सुई धागे की हेल्प से यहाँ पे हम टांका लगा देंगे। दोनों तरफ से हम सिक्योर कर देते हैं हम इसको। और अब हमने जो ये हमने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा है, दोनों इसको हम इस सिलाई के अंदर कर देते हैं ताकि ये नजर ना आए। ये देखें, इस तरह से हम दूसरी तरफ भी इलास्टिक डालेंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा है, मैंने दोनों तरफ इलास्टिक डाल दिया है, तो ये हमारा मास्क बनकर तैयार हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।